नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश और आप देख रहे हो एसएसए स्टॉक मार्केट। बात करेंगे इस वीडियो में चार शेयर के बारे में। सबसे पहले लॉयड स्टील इंजीनियरिंग लिमिटेड का चार्ट खोला है, उसके बाद सर्वेश्वर फूड में भी आज 5% का अपर सर्किल लगा है, इसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे हम लोग। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे पीसी ज्वेलर में भी 5% का सर्किट तो नहीं लगा है, लेकिन फिर भी जो है बड़ी सी तेजी देखने के लिए मिली है, इसके बारे में बात करेंगे। और प्रतिदिन इस पे तेजी होती है, साथ में रतन इंडिया पावर भी थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ रहा है, 1.5% के आसपास की तेजी देखने के लिए मिली है, इसके बारे में भी यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले इसी रतन इंडिया पावर के बारे में ही बात कर लेते हैं। सर्वेश्वर फूड में बड़ी सी तेजी आ रही है, खरीदारी करने के लिए आप लोगों को मैं बोला था, और लॉयड स्टील में ठीक कंडीशन है, देखेंगे बाद में बात करेंगे। रतन इंडिया पावर में देखेंगे तो एसएम के ये स्टेज 3 में है, अभी बाहर नहीं आएगा। अगला इसका रिव्यू मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ कि इसका स्टेज 3 से स्टेज 2 में ये आएगा, लगभग लगभग रिव्यू होगा इस शुक्रवार, जो अगला हम लोगों का अभी आने वाला जो शुक्रवार है 20 सितंबर 2024, तो 20 सितंबर 2024 को इसका रिव्यू हुआ एसएम लिस्ट से, हो सकता है बाहर आ जाए, संभावना ज़्यादा रहती है, जरूरी नहीं रहता। 1.3 करोड़ इक्विटी शेयर टोटल ट्रेड हुआ है, 1.25 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हुआ है। ट्रेडेड वैल्यू की बात करेंगे तो 20 करोड़ रुपए के शेयर टोटल बाय सेल यहाँ पे हुए हैं। डिलीवरी परसेंटेज बहुत शानदार बिल्कुल आया है, 69% इसका जो है डिलीवरी परसेंटेज निकल के सामने आ रहा है, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। आप लोग बोलते हो वीडियो छोटा बनाइए, वीडियो छोटा बनाऊंगा तो ज़्यादा डिटेल दे नहीं पाऊंगा। अगर यहाँ पे देखेंगे तो हाल फिलहाल का कोई भी अपडेट नहीं है, 11 सितंबर 2024 का अपडेट है। गैप ऑफ ओपनिंग गिरावट फिर तो थोड़ा वोलेटाइल ही ले रहा है, लो जो कल का क्लोजिंग था उसको भी एक बार रिटेस्ट किया है, हालांकि क्लोजिंग 1% की तेजी के साथ दिया है। कोई भी मीटिंग डेट नहीं, कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन नहीं, कुछ भी यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिल रहा है। चार्ट पे अगर हम लोग बात करेंगे तो वीकली चार्ट तो शानदार दिख रही है, अगर डेली चार्ट पे भी यहाँ पे बात करेंगे तो रेड कैंडल तो रेड ही बनी गया है, क्योंकि गैप अप नहीं दिया, सस्टेन नहीं कर पाए, 4 रेड कैंडल यहाँ पे बन चुकी हैं, लेकिन उम्मीद है कि यहाँ से एक तेजी आ सकती है। हालांकि जब तक 16 रुपये के नीचे नीचे रहेगा गिरावट की संभावना बनी रहेगी, और 14 रुपये और 13.5 रुपये तक नीचे की साइड में, 14.5 और 13.5 तक नीचे की साइड में जा सकता है। अगर आप छोटा स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहते हैं तो 14.5 रुपये, 14.20 रुपये के आसपास का आप लोग स्टॉप लॉस में फॉलो कर लीजिएगा, नहीं अगर आपको बिंदास रहना है तो आप बिल्कुल होल्ड भी कर सकते हैं। खरीदारी करने का थोड़ा सा व्यू नहीं रहेगा, 16 रुपये के ऊपर जाता है तभी खरीदारी करने का व्यू रहेगा, नहीं तो इसको केवल होल्ड करने का व्यू रहेगा। हीरा सोना नहीं, सोना कह लीजिए इसको, सोना ही है बिल्कुल, सोने बनाने वाली कंपनी, सोने के ज्वेलर बनाने वाली कंपनी पीसी ज्वेलर, बिल्कुल समझ लीजिए हीरा है आपके पोर्टफोलियो में, अगर होगा तो सबसे अलग वो चमक रहा होगा प्रतिदिन, और वो ग्रीन में ही चमक रहा होगा प्रतिदिन। लॉन्ग टर्म के एसएम के स्टेज 1 में ये भी शेयर शामिल हुआ है, लेकिन उससे कोई फर्क इस पे पड़ा नहीं है, उसी तरह का मोमेंटम इसमें कंटिन्यू जारी है। 4.5% की तेजी देखने के लिए मिली, अपर सर्किट इसमें भी लगा था, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए एक टाइम पे इसका अपर सर्किट लगा था, क्योंकि अपर सर्किट का अगर इसका प्राइस बैंड देखेंगे तो कितने पे है, यहाँ पे आप देखिए 47.90 रुपये पे इसका अपर सर्किट है, और यहाँ पे देखिए हाई कितना इसने टच किया, तो हाई देखिए यहाँ पे 47.90 रुपये, मतलब अपर सर्किट पे गया था, गैप अप के साथ ओपनिंग देखने के लिए मिली 3 रुपये, और फिर उसके बाद कंटिन्यू मोमेंटम में किया, थोड़ा सा नीचे आया था वो 40 रुपये के आसपास, लेकिन फिर रिकवरी आ गई, जिसको आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कल के क्लोजिंग प्राइस के आसपास सुबह में ही आया था, लेकिन फिर रिकवरी किया तो पूरे दिन ऊपर ही रहा, एक छोटी सी गिरावट आई थी शाम के टाइम पे भी, लेकिन सस्टेन करके फिर से मोमेंटम कर दिया है। लेटेस्ट अपडेट इसमें भी नहीं आया, कुछ इनके मैनेजमेंट में बदलाव हुआ था जो मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था, आप लोग इसी दिन देख लिया करिए, क्योंकि फिर से देखने का मतलब हो जाता है कि ज़्यादा डिटेल में जाना तो दिक्कत हो जाता है। तो 3-4 लोगों का कार्यकाल पूरा हुआ था तो वो लोग हटे थे, मनोहर लाल थे, कृष्णा कुमार थे, वहीं पे मियार कुछ थे, इन सब का कार्यकाल पूरा हुआ था, तो इन 3 को जो है यहाँ पे कंपनी से सीधा जो है फ्री कर दिया गया है, मतलब रिटायर हो गए हैं। वहीं पे अगर पीसी ज्वेलर के अगर चार्ट के बारे में बात करेंगे तो चार्ट शानदार बना है, एंट्री करने का मौका बन ही नहीं रहा है, थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ पे एंट्री करने का मौका बन रहा था मैं आप लोगों को बताया था, इस लेवल पे भी अभी भी बताया था आप लोगों को कि अगर आप चाहते हो छोटा मोटा खरीदारी करना, छोटा मोटा खरीदारी करिए, छोटा सा नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, 172 का नेक्स्ट का टारगेट है, 140 रुपये वाला जो टारगेट आप लोगों को बताया था वो अचीव किया, तो मैं बोला भी था कि अगर आपको प्रॉफिट भी बुक करना है तो आप ही प्रॉफिट भी बुक करिए,
कंटिन्यू मोमेंटम में जा रहा है, तो एक बड़ा वाला रिट्रेसमेंट भी आ सकता है कभी अचानक से। ठीक है, खरीदारी तो रिस्की रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे वीकली कैंडल पे जबरदस्त, यहाँ पे जब थोड़ा सस्टेन किया था तो मैं आपको बोला था कि अभी थोड़ा सा जो है इसको आप खरीदारी करके नीचे का स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे, तो और आप लोगों को 172 रुपये के टारगेट के लिए, 182 रुपये के टारगेट के लिए जा सकता है, और जा भी रहा है। देख लीजिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो करना है तो 127-128 रुपये के नीचे का आप लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में फॉलो कर सकते हो, बाकी कंडीशन ठीक है। खरीदारी करना थोड़ा सा रिस्की रहेगा, अगर डिप इसमें मिलता है तो फिर आप लोग जो है इसमें 110 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के 127-28-29 रुपये के लेवल पे खरीदारी करेंगे, 172 रुपये के उसी टारगेट के लिए। अगले शेयर की बात करेंगे तो अगला शेयर सर्वेश्वर फूड लिमिटेड, अभी हाल फिलहाल में मैं बोला था तेजी आएगी और आगे तेजी, 4% की इसमें तेजी देखने के लिए मिली है, 10 रुपये 50 पैसे इसका करेंट मार्केट प्राइस ट्रेड कर रहा है, 74 लाख इक्विटी शेयर इसमें भी ट्रेड हुए हैं, टोटल 74 लाख इक्विटी शेयर टोटल ट्रेड हुए हैं, 8 करोड़ रुपए के शेयर बाय सेल यहाँ पे हुए हैं। डिलीवरी परसेंटेज की बात करेंगे, 58-59% के आसपास का इसमें डिलीवरी परसेंटेज देखने के लिए मिल रहा है, जो कि बढ़िया चीज़ है। इसका भी अगर ट्रेड देखेंगे पूरे दिन अपर सर्किट में रहा, सुबह सुबह गिरावट आई थी रिकवरी, फिर उसके बाद पूरे दिन दोपहर में 2 बजे के आसपास थोड़ी सी सेलिंग हुई थी, उसके बाद फिर से अपर सर्किट में पैक हुआ और वो दिन भरा। इसमें भी कोई अपडेट हाल फिलहाल का नहीं है, 12 सितंबर 2024 की लास्ट इसमें एक खबर प्रेस रिलीज से निकल के सामने आ रही है, प्रेस रिलीज से रिलेटेड, जो मैं आप लोगों को बोला था कि कुछ ये चावल वावल का 4-5 वेरिएंट निकाले हैं, हल्दी चावल, मसाला वाला चावल, ये सब मैं उस दिन वीडियो बना के आप लोगों को डिटेल में बनाया था, ठीक है ना, तो इस तरह से देख लीजिएगा, और उसी का अपडेट है, उसके बाद का यहाँ पे कोई अपडेट नहीं है, और हो सकता है उसी वजह से, न्यूज की वजह से आज यहाँ पे तेजी भी देखने के लिए हम लोग को मिल रही है। अगर मेरा टेक्निकल एनालिसिस आप लोग पिछली वीडियो में देखे होंगे तो मैं आपको क्लियर बोला था कि 10 रुपये के सपोर्ट पे और 9 रुपये के सपोर्ट पे, दोनों सपोर्ट पे आपको खरीदारी करना है, इसी 13 रुपये का टारगेट के लिए स्टॉप लॉस आप लोगों को 8 रुपये 50 पैसे के नीचे का फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे RSI का पोजिशन देखेंगे बिल्कुल परफेक्ट है, और वही चीज़ मैं बोला था कि ब्रेकडाउन दे रहा है, लेकिन अगर 50 के ऊपर ऊपर सस्टेन करके फिर से 70 का ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छी तेजी आएगी। बुलिंजर बैंड की बात करेंगे तो बुलिंजर बैंड अप ट्रेंड का इंडिकेशन दे चुका है, तो ये अप ट्रेंड में अभी रहेगा, तो देख लीजिएगा। अगला शेयर हम लोग का आ जाएगा लॉयड स्टील इंजीनियरिंग लिमिटेड, इसमें भी 7% की आज तेजी देखने के लिए मिली है, 82 रुपये 65 पैसे पे इसने अपना कैंडल क्लोज किया है, और इसमें भी फ्लैट ओपनिंग थी और वहीं से कंटिन्यू इसमें जो है तेजी आई है। इसमें भी देखेंगे तो 1.7 करोड़ इक्विटी शेयर, 2 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हुआ है, जिसकी टोटल ट्रेड वैल्यू लगभग 150 करोड़ रुपए के ट्रेड हुए हैं। डिलीवरी परसेंट थोड़ा सा कम है, 25.5% के आसपास का इसमें डिलीवरी परसेंटेज निकल के सामने आ रहा है, और इसका इस तरह से फ्लैट ओपनिंग दिया था, थोड़ा सा नीचे गया था, उसके बाद कंटिन्यू जो है मोमेंटम आया और ऊपर जाकर सस्टेन कर गया, ताकि लोग जो है फिर से खरीदने के लिए आ ना सके। शेयर होल्डिंग पैटर्न, फाइनेंशियल, बोर्ड मीटिंग कुछ भी यहाँ पे नहीं है, जब भी अपडेट आएगा आप लोगों को अपडेट दे दूंगा। यहाँ पे ये वाली बड़ी तेजी हुई है, अभी जब ये वाली बड़ी तेजी हुई थी, बड़ी कैंडल बनी थी, तब मैं आपको बोला था कि आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं, जब गिर रहा था तब भी बोल रहा था आप लोगों को खरीदारी करिए, क्योंकि ये जोन ही है खरीदारी वाला, इस जोन के अंदर अंदर जब भी आए खरीदारी करने का परफेक्ट लेवल रहेगा, इसी के नीचे का आप लोग 66 रुपये के नीचे का चाहो तो स्टॉप लॉस भी फॉलो कर सकते हो, बाकी इसका ऊपर रेजिस्टेंस है 84 रुपये और 90 रुपये, दो रेजिस्टेंस अभी पास में ही बनेगा, अगर ये दोनों रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो इसमें एक बड़ी तेजी आएगी, फिलहाल में भी उसमें पॉजिटिव रहेगा, खरीदारी करने का रहेगा, होल्ड करने का रहेगा, प्रॉफिट बुक करने का नहीं रहेगा, सेल करने का कुछ भी नहीं रहेगा, तो इसको देख लीजिएगा, छोटी मोटी क्वांटिटी में खरीदारी करिए, आने वाले समय में इसमें 110, 120 और उसके ऊपर अगर हम लोग जाएंगे तो 180 तक के टारगेट हम लोगों को यहाँ पे मिल सकते हैं, लेकिन 180 वाला छोड़िए, 110-120 ये टारगेट फिलहाल में इसमें मिलने की संभावना है, और बहुत जल्द मिलने की भी संभावना है। वीडियो पसंद आया है तो दबा के लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।